भौती पुलिस ने कर हत्या करने वाले आरोपी गनू को महज 36 घंटे में किया गिरफ्तार। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अमन सिंह राठौर के निर्देशन में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजीव मूली के मार्गदर्शन में और श्रीमान एसडीओपी पिछोर श्री प्रशांत शर्मा के नेतृत्व में थाना मांगतू पुलिस ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करते हुए रश्मि लोधी, नीरज लोधी, मेहरबान सिंह लोधी, स्वरूपी लोधी की मारपीट करने और सन्नाम सिंह लोधी की मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपी गण ओमकार पुत्र स्वर्गीय देवीलाल लोधी उम्र 56 साल, भगवान सिंह पुत्र ओमकार लोधी उम्र 27 साल और लवकुश पुत्र ओमकार लोधी उम्र 25 साल निवासी गण ग्राम बमेरा थाना भांति को अपराध पंजीबद्ध होने के मात्र 36 घंटे में ही गिरफ्तार कर आरोपी गणों से घटना में प्रयुक्त आला जजर बरामद किया है। दिनांक 16/9/2024 को फरियादी रश्मि लोधी पत्नी नीरज लोधी उम्र 23 साल निवासी ग्राम बमोरा थाना बहती की रिपोर्ट से आरोपी गण ओमकार पुत्र देवलाल लोधी, भगवान सिंह पुत्र ओमकार लोधी और लवकुश पुत्र ओमकार लोधी निवासी गण ग्राम बमेरा के विरुद्ध थाना बहती पर अपराध का मांग 258/24 धारा 115 296 315 35 BNS का अपराध पंजीकृत करते हुए घायल व्यक्ति को इलाज हेतु CSC पिछोर ले जाया गया, जहां से गंभीर घायल मजरूह मेहरबान सिंह लोधी और सन्नाम सिंह लोधी निवासी गण बमेरा को मेडिकल कॉलेज शिवपुरी इलाज हेतु रेफर किया गया। इलाज के दौरान घायल मजरूह सन्नाम सिंह लोधी पुत्र बैजनाथ लोधी उम्र 67 साल निवासी बमेरा की मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में मृत्यु हो गई, जिस पर से प्रकरण में धारा 109/103 BNS इजाफा की गई और मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अमन सिंह राठौर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल SDOP पिछोर को आरोपी गनू की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। SDOP प्रशांत शर्मा के नेतृत्व में थाना प्रभारी भांति निरीक्षक गीतेश शर्मा ने पुलिस टीम बनाकर मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपी गनू की गिरफ्तारी हेतु घटनास्थल के आसपास के गांवों में पूछताछ की और मुखबिर के जरिए पूछताछ की और अपराध के आरोपी गनों को भागने की फिराक में चौमुहा तिराहे के पास किसी वाहन का इंतजार कर रहे थे। तब थाना भोंती पुलिस ने महज 36 घंटे के अंदर ही कड़ी मेहनत कर फोर्स की मदद से तीनों को धर दबोचा। संवाददाता दीपक गुप्ता। ये दिनांक 15-16 सितम्बर की दरमियानी रात थाना भोंती के अंतर्गत एक गाँव जो की बमेरा है, वहाँ की रश्मि लोधी ने थाने पर आकर रिपोर्ट कराई थी कि जब वो गणेश जी की झांकी देख रही थी तो गांव के ही लवकुश लोधी, भगवान सिंह लोधी, ओमकार लोधी ने उनकी, उनके पति नीरज लोधी की, उनकी सास सरूपी बाई और उनके ससुर सरनाम और बड़े ससुर मेहरबान लोधी की मारपीट कर दी। रश्मि लोधी की रिपोर्ट पर से थाना भोंती में तत्काल अपराध क्रमांक 258/24 पंजीबद्ध हुआ और घायलों को उपचार हेतु अस्पताल में रवाना किया गया, जहाँ पर से शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में जो कि रश्मि के बड़े ससुर थे जिनका नाम सतनाम लोधी था, जिनकी उम्र लगभग 65-66 वर्ष थी, उनकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात पुलिस ने जो पूर्व से पंजीबद्ध अपराध था उसमें धारा 109/103 का इजाफा किया और जो आरोप के तीन आरोपी थे उनको तत्काल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये 15 तारीख की रात में लगभग 11 बजे की घटना बताई जा रही है और रश्मि का ऐसा कहना है कि उसने गांव के ही नीरज लोधी से 2 साल पूर्व में लव मैरिज की थी, जिस पर से रश्मि के मायके वाले नाराज थे और ये जो आरोपी गण हैं वो रश्मि के ही परिजन हैं। जी, इसमें तीन आरोपी लवकुश लोधी, भगवान सिंह लोधी और ओमकार लोधी बहुत ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए, जिन्हें आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।